लास्ट क्लास में ही वीडियो में था, वीडियो क्यों नहीं सुनते? उसी समय पूछ लेते ना। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, पहले बच्चे पढ़ाई नहीं करते। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करो, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, सेम क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं। बल्कि x की वैल्यू आप यहाँ पर साइन थीटा को करो, आवाज बिल्कुल नहीं बचू, 5 साइन थीटा प्लस 12 वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो cos स्क्वायर, तो cos थीटा, और 13 को आप सेपरेट करो। और मैंने ट्रायंगल मेथड से नहीं था सब कुछ, मैंने एंटी वही बातें रिपीट कर रहा हूँ एक ही बार। तो यहाँ पर थीटा है, आप 5/13 को, यहाँ साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ साइन का फॉर्मूला बना है, साइन ए कॉस बी, यानी मुझे यहाँ कॉस बी चाहिए। तो आप इसको कॉस, इसको कॉस बी बोल दो, कॉस ए बोल दो। तो कॉस क्या होता है बच्चों, इसको ए, इसको ए बोल दो, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। तो यहाँ से साइन ही आ जाएगा, साइन क्या होता है 12/13 ई बाई एच बन गया फॉर्मूला। तो y is equal to sin inverse, ये बन गया बच्चों cos a sin theta plus sin a cos theta। तो किसका फॉर्मूला बच्चों, sin of sin a plus b, theta plus a का फॉर्मूला। अब sin और sin कैंसिल हो जाएगा, theta plus a आ जाएगा, और theta तुमने किसको लिया था बच्चों, x को, तो ये बन जाएगा sin inverse x। और a बच्चों किसको लिया था, cos a क्या होता है 5/13, तो ए क्या होगा cos inverse 5/13। और लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, जब इसका डेरिवेटिव करोगे sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 − x², और ये कांस्टेंट है बच्चों, cos inverse 5/13 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इसका डेरिवेटिव 1/√1 − x², ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, नेक्स्ट डाउट बोल ना, क्वेश्चन बोल ना बेटे मेरे, अभी तो वही चल रहे, मैंने सारा करवा तो दिया था। अच्छा बोल बोल, क्वेश्चन बोल। हाँ, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स, ये सोचो वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स को आप पुट करो कॉस थीटा, एक्स को क्या पुट करोगे आप, कॉस थीटा, राइट। क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले मैंने बताए मैं बच्चों, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा, मैंने बताया हुआ है कि वन प्लस कॉस में क्या करते हैं और वन माइनस कॉस में क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस का, तो कॉस थीटा बाय टू। तो सब कुछ बताया हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस क्या करो। और मैं ग्रुप के अंदर मैं पिक्स डालता हूँ, ऑडियो डालता हूँ, किसके डालता हूँ, उसमें सब डिटेल होती है, फिर भी बच्चे ना सुनना चाहते ना कुछ, वो मेरा तो बेकार जाती है। फिर एक बार बताओ, तनिषा भी पूछती है, हर्ष भी पूछते हैं, है ना, काफी और बच्चे पूछते हैं, फिर मैं अलग से भी सुबह समझा रहा होता हूँ, वही क्वेश्चन मैं शाम को भी दोबारा कर रहा होता हूँ, फायदा क्या मिला मुझे, इधर सेम चीज तो सारी मैं शाम को करवा ही रहा हूँ क्लास के अंदर। यहाँ तो बच्चों ना भी वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ ग्रुप के अंदर, चलो भाई बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को सीखेंगे, क्या बेनिफिट उसका। वन प्लस कॉस थीटा क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू कट जाएगा। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाय टू, कॉट इनवर्स और कॉट, कॉट इनवर्स और कॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। मैंने पुट क्या किया था बच्चों, x = cos थीटा, एक बात एक फार्मूला याद करो जिसमें साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आता है, याद करो एक फार्मूला ऐसा है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आता है, कौन बताएगा मुझे, एक फार्मूला ऐसा है बच्चों जिसमें साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आता है। अब तुम अपना अपना लेवल देख लो, कोई बच्चा नहीं बता पा रहा, पूरी क्लास में से एक बच्चा नहीं बता पा रहा कि एक फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आता है। शर्म आनी चाहिए, ये रहा बच्चों
वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इसलिए मैथ्स नहीं आता, तो पता नहीं चलता। मैं पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कहाँ आता है, तो बताना चाहिए वन माइनस कॉस थीटा में आता है, अभी तो किया जस्ट ना हो, तो रिवर्स फॉर्मूला लगा दो ना, वन माइनस इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस थीटा होल अपॉन टू, भाई वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है ना, टू से टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू को मैंने लिख दिया वन माइनस कॉस थीटा होल अपॉन टू। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी बेकार है तो मैं क्या करूं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, एक्स, यहां पर क्या लिख दिया मैंने एक्स, अब डेरिवेटिव करो इसका डीवाई बाई डी एक्स, वन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो माइनस वन, तो आंसर क्या हो गया माइनस वन बाय टू, मेरा काम देखो नहीं, इसको मैंने समझाना है। अच्छा बच्चों देखो अब इधर वाई इसका बच्चों वंश के बेटी इधर देख, इस पर पहले वाले पर हाथ रख देना तो अंदर सारा वाई बन जाएगा, तो ये रूट लॉग एक्स प्लस वाई बन जाएगा और स्क्वेयरिंग कर देना, मैं हिंट दे रहा हूँ इससे बच्चों, नीचे मैंने बताया तब एक बार वीडियो में, इस पर हाथ रख देना ऊपर वाला वाई बन जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स रिज पावर वाई, तो लॉग ले लेना क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन, हाँ करवाएंगे ठीक करवाएंगे। अब यहाँ पर अंडर रूट पर ऐसे हाथ रख दो, अंदर वाला ये क्या बन जाएगा वाई, तो ये बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस वाई, क्या बन जाएगा ये रूट साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर आप स्क्वेयरिंग कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जाओ यहाँ पर इस पर हाथ रख देना तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, तो ये क्या बन जाएगा ई रिच पावर एक्स प्लस वाई, ई रिच पावर एक्स प्लस वाई, लोग लो या मत लो, दो लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं लोगे तब भी आता है तुम्हें, दिमाग है मुझे बताओ वाई कहाँ लिखूं, बोलो बोलो जिस बच्चे ने सोच लिया उसका सीयूईटी क्लियर, चलो क्लियर हो गया भाई, और जो बच्चा नहीं सोच पाया उसका गोटा दिमाग है, देखो कैसे यहाँ से रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो बच्चों देखो ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है ना, ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है ना, तो ये वाई बन गया ना। अच्छा बच्चों अब यहाँ पर क्या करोगे नेक्स्ट है एलसीएम, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस साइन, अब ये बताओ कर दिया एलसीएम ली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है अब कर दिया मैंने, अब बताइए कौन सा टॉपिक बन गया, देखते कौन बताता है, यस क्या बात है, तूने बताया तनिषा, वेरी गुड, तो तनिषा ने बता दिया, देखो इससे कहते हैं बच्चे पढ़ने वाले है ना, अब पता चला सीयूटी कैसे क्लियर होता है। अब इधर देखो डेरिवेटिव करोगे कौन सा टॉपिक है ये इंप्लिसिट, कौन सा टॉपिक है, अच्छा इंप्लिसिट की पहचान क्या है, जब x और y इकट्ठे आ जाए जिनको तुम अलग नहीं कर सकते, और एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं, जैसे ये एक्सप्लिसिट है y एक तरफ x एक तरफ, अभी एक्सप्लिसिट है, लेकिन जब मैं वो तो बाद में y आएगा ना, ठीक है ना, अच्छा तो y और x इकट्ठे आ गए तो कौन सा है इंप्लिसिट, तो डेरिवेटिव करके या प्रोडक्ट लगाकर और डीवाई बाई डी एक्स इकट्ठा करके डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना, इंफिनिटी वाले क्वेश्चन ऐसे मैं कहीं बना सकता हूँ बहुत सारे, पता चल गया ना बच्चों, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात नोट कर लिया सभी ने,